अज तो साका नीला तारा की बरसी के संबंध में मनाए जाने वाले घल्लूघरां दिवस को लेकर गुरु की नगरी अमृतसर सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए गए हैं। जनतक थावां ते पुलिस चप्पे चप्पे से तैनात की गई है। बस अड्डे तो लैके होर जनतक थावां ते पुलिस का सख्त पहरा है। दस दिए कि जून 1984 हरिमंदर साहिब ते श्री अकाल तख्त साहिब ते होए फौजी हमले के घल्लूघारे दिहाड़े 6 जून को श्री अकाल तख्त साहिब विखे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों मनाया जाना है। इस मौके वख-वख सिख जथेबंदियां दे आगू अते संगतां एकत्र हुंदियां ने। श्री अखंडपुर साहिब दे भोग अते कीर्तन उपरंत श्री अकाल तख्त साहिब जथेदार दे वल्लों संदेश जिहड़ा है ओह पढ़िया जांदा है। तो दुनिया भर दे विच वसदे सिख इस संदेश नूं बहुत ध्यान नाल सुणदे ने। साका नीला तारा के संबंध में करवाए जाने वाले समागम मौके सुरक्षा इंतजाम करने लई पंजाब सरकार वालों केंद्र सरकार तो 10 केंद्रीय सुरक्षा कंपनियां भी मंगवाईयां गई हैं। साका नीला तारा के संबंध में करवाए जाने वाले समागम लैके जिथे कि पुलिस तैनात की गई साडे सहयोगी अमृतसर तो बने हुए परमवीर किवें दी सुरक्षा तैनात की गई किस तरीके के प्रबंध जो है पुलिस प्रशासन के वालों किए गए ने। अज 1 जून हैगी है तो घल्लूघारा का पहला असी कह सकते हैं कि दिन हैगा घल्लूघारा यानी कि संत जरनैल सिंह भिंडरावाले की जिहड़ी बरसी है वह 6 जून मनाई जानी है। अमृतसर बहुत सेंसिटिव एरिया मनिया जाता है। इधर तस्वीर बोलदिया ने असी नहीं बोलते तुसी देख सकते हो कि किस कदर जिहड़े है मिलटरी जिहड़ी है तैनात कर दी गई है। आर एफ के मुलाजम जिहड़े ने सारी रात जिहड़े है वह तैनात किए थे। यह जिहड़ा एरिया हैगा तुसी देख सकते हो लेडीज़ भी जिहड़ियां ने मैं वीडियो जर्नलिस्ट नूं कहूंगा एक बार जूम करके पैन करके दिखा देन कि यह जिहड़ियां लेडीज़ ने सवेर तो ही खड़ियां ने चप्पे चप्पे ते जिहड़ी है मिलटरी ते आर एफ के जिहड़े मुलाजम ने वह तैनात कर दिए गए हैं। क्योंकि जे असी थोड़ा जिहा पछाण चल जाइए तो 1 जून 1984 नूं इसे दिन जिहड़ा है आर्मी ने जिहड़ी सी है वह अपनी कमान संभाली सी ऑपरेशन ब्लू स्टार नूं लैके। तुसीं देख सकते हो AK-47 दे नाल लैस ने आर एफ दे यानी कि कोई भी अणसुखावी घटना जिहड़ी है ना वापरे। तुसीं देख सकते हो आधुनिक हथियारां नाल लैस है। पर इत्थे एक गल जरूर मैं खास ते साफ करनी चाहवांगा। तुसीं देख सकते हो जिन्नियां बसां हैगियां ने ये सारियां दियां सारियां आर एफ दियां ने। तुसीं देख सकते हो दूर तक जिहड़े है आर एफ दे मुलाजम जिहड़े ने खड़े होए ने पर किते भी जिहड़ा है एक भी मुलाजम पंजाब पुलिस का इत्थे दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि असी खड़े हाँ मेन चौंक दे विच ये तस्वीर वीडियो जर्नलिस्ट नूं मैं कहांगा एक बार दिखा दिओ ये असी मेन चौंक दे विच खड़े हाँ जिहड़ा कि ईस्ट वैसट नॉर्थ साउथ अमृतसर नूं जोड़दा है यानी कि इधरों असी गुरदासपुर जाना होवे अटारी जाना होवे अजनाला जाना होवे गुरदासपुर जाना होवे चाहे असी जाना होवे जलंधर चाहे असी जाना होवे तरनतारन यही चौंक मेन हैगा जिहड़ा कि ये सारे अमृतसर नूं जोड़दा है। तो इत्थे ही जिहड़ा कुछ ना कुछ ज़्यादा धरने इत्थे लगते हैं सेंसिटिव एरिया यही मन्या जांदा है। पर इत्थे तुसी देख सकते हो आर एफ दे मुलाजम तुहानू दूर दूर तक दिखाई देणगे पर एक भी पंजाब पुलिस का मुलाजम इत्थे नहीं है। तकरीबन असी कह सकते हाँ कि सवेर तो चढ़ गई है पर तुसी देख सकते हो अणगहली जिहड़ी पंजाब पुलिस की कितना कितने पहला सामने आई सी। 2-3 वाके ऐसे हो चुके ने अमृतसर दे विच भी कह लिए चाहे असी पंजाब दे विच कह लिए जिथे कि हासोहीनी गल यही है सामने आई कि बाहरों आई जिहड़ी मिलटरी हैगी है वह तैनात है अपनी ड्यूटी ते पर पंजाब पुलिस किते भी तैनात नहीं जापरी जी। पर वीर केंद्रीय सुरक्षा कंपनियां तैनात ने पर पंजाब पुलिस तैनात नहीं की गई इसका मेन कारण यही है जो पिछले दिनों में घटनावां सामने आई सन पंजाब दे विच उस नूं लैके कदम चुकिया गया। बिल्कुल जेकर असी गल करिए जिस तक असी पता किया है उसदे विच यही कहना है कि जिहड़े पुलिस मुलाजम ने उन्हां दी जिहड़ी है वह ट्रेनिंग लगी हुई है जिथे कि ट्रेनिंग की जा रही है कि 6 जून जे कोई वाकया घटता है तो वह किस तरह उसका मुकाबला करनगे। वह ट्रेनिंग जिहड़ी है कमिश्नर साहब दे हेठां की जा रही है सारे दे सारे उच्च अधिकारी उत्थे उस मीटिंग दे विच उस ट्रेनिंग दे विच शामिल ने। एक बार तस्वीरां जरूर दिखा दिए तुसीं देख सकते हो कि कितना गहमा गहमी वाला इत्थे माहौल है। आई चलाई इत्थे बहुत ज़्यादा सारी दिहाड़ी रहिंदी है तो इसे चौंक नूं जिहड़ा इसे पुल नूं जिहड़ा कितें सेंसिटिव मन्निया जांदा इसे करके दूर तक तुसीं देख सकते हो इधर भी जिहड़ियां आर एफ दियां गड्डियां ने दूर तक जिहड़ियां लगियां होईयां ने मुलाजम सवेर तो ही जिहड़े है 6 बजे तो असीं कह सकते हैं कि डटे हुए ने। तो यह 8 जून तक यही सिलसिला चलना है जो तक जिहड़ा घल्लूघारे का दिवस जिहड़ा है वह संपन्न नहीं हो जाता। इत्थे दर्शकां दे जानकारी दे विच वाधा कर दिए जिहड़े 4 जून
श्री अखंड साहब के जिहड़े पाठ ने वो रखे जाने ने ते 6 जून नूं जिहड़ा उह भोग पाया जाना है ते भोग दे विच सारियां दीआं सारियां जिहड़ियां जथेबंदियां सिख जथेबंदियां ने वह कत्तर होणगियां चाहे वह कोई निहंग जथेबंदियां होण जिन्नियां भी सिख जथेबंदियां ने सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री अकाल तख्त साहब के झंडे हेठां सारियां एकत्र होणगियां भोग पैणगे उस तो बाद श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार जिहड़े ने ज्ञानी हरप्रीत सिंह वह जिहड़ा है वह कौम के नाम एक संदेश देणगे सो इसे नूं लैके सारे अगे अपील है कि इस जिहड़ा यह दिवस मनाया जाना है इसनों शांतिपूर्वक तरीके नाल मनाया जाए। असी भी जी पंजाब हरियाणा हिमाचल वालों यही लोगों संगतों को अपील करते हैं कि पूरा का पूरा शांतिपूर्वक जिहड़ा है तरीके नाल इस दिवस में मनाया जाए ताकि कोई भी अनहोनी ना वरते। जी जी शुक्रिया परमवीर साढ़े नाल जानकारी दी साझ पाउण दे लई।